द प्रेस्टीज। तो व्हाट्स अप बडीज, क्रिस्टोफर नोलन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड यहाँ पर अपनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग की वजह से जाने जाते हैं कि वो अपनी कितनी ज़्यादा जो सिंपल स्टोरी भी होती है उसको वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। तो यहाँ पर उनकी एक मूवी है द प्रेस्टीज, जिसका मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ कि कौन सी क्या बात है जो प्रेस्टीज मूवी को दूसरी मूवी से अलग बनाती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि ये वाली मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। तो द प्रेस्टीज मूवी का पूरा रिव्यू देखने के वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर इस मूवी की कास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमें इस मूवी में देखने को मिल रही है बहुत बड़ी कास्ट, जिसमें हमें सबसे पहले तो ह्यू जैकमैन हमारे वुल्वरीन देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें बैटमैन क्रिश्चियन बेल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमें ब्लैक विडो स्कारलेट जोहानसन भी देखने को मिलती हैं। और इस वाली मूवी को जैसा कि मैंने बोला डायरेक्ट किया और किसी ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन ने। और इसकी मैं IMDB में रेटिंग की बात करूँ तो इस वाली मूवी को यहाँ पर 8.5 की रेटिंग वहाँ पर मिली है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि IMDB इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा रेटिंग देता नहीं है। अब यहाँ पर मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, स्टोरी इसका वन ऑफ द प्लस पॉइंट और काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है। हमें यहाँ पर दो मैजिशियंस की स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पर दो मैजिशियंस होते हैं, एक रॉबर्ट होता है, एक का नाम होता है एल्फर्ड, जिसको यहाँ पर ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल ने कैरेक्टर प्ले किया है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है ये दोनों जो मैजिशियंस होते हैं आपस में कैसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर एक शो में कैसे ये काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और कैसे कुछ टाइम के बाद इन दोनों मैजिशियंस में एक तकरार आ जाती है। यहाँ पर ये दो मैजिशियंस जो है एक दूसरों के काफी ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों मैजिशियंस हैं रॉबर्ट और एल्फर्ड, ये दोनों अपने अपने शो स्टार्ट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरों से बदला लेते हैं शो करने के लिए ऑडियंस को कि यहाँ पर मैं सबसे अच्छा मैजिशियन हूँ। यहाँ पर हमें ये दिखाया गया कि कैसे ये दोनों जो है हम देखते हैं कभी कभार जो है एल्फर्ड रॉबर्ट के शो में जाके उसका शो स्पॉइल कर देता है, कभी रॉबर्ट एल्फर्ड के शो में जाके उसका शो खराब कर देता है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे ये दोनों जो है अपने आप को एक अच्छा प्रूफ करना चाहते हैं और एक दूसरों से बदला भी लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो कि मुझे इस मूवी में अच्छी लगी और ये एक्चुअल में ये सब चीजें इस वाली मूवी को एक टॉप क्लास मूवी बनाती है। सबसे पहले यहां पर करेक्टर्स, यस ये वाली मूवी की हिट होने की वजह और लोगों के दिलों में आज तक अभी भी ये वाली मूवी जिंदा है जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, वो है इसकी करेक्टर्स। यस यहां पर क्रिस्टोफर नोलन ने काफी ज्यादा जो कहते हैं ना स्मार्ट मूव किया इस मूवी के साथ, उन्होंने यहां पर करेक्टर्स को काफी ज्यादा ऊपर शो करवाया है। हमें यहां पर जो ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल का करेक्टर देखने को मिला है, यहां पर अगर मैं बात करूं एक का नाम एल्बर्ट होता है दूसरे का नाम रॉबर्ट होता है, यहां पर हमें जो उनके करेक्टर्स के बारे में दिखाया कि कैसे ये दो जो करेक्टर्स हैं एक दूसरों के लिए इनके दिल में कितनी ज्यादा एक अगर मैं बात करूं वेंजेंस है और अपने आप को अच्छा प्रूव कराने की जरूरत है। खासतौर पर अगर मैं आप पर बात करता हूं ह्यू जैकमैन के करेक्टर रॉबर्ट का, वो एक ऐसा मैजिशियन है जो कि अपने आप को जो है ना बेस्ट दिखाना चाहता है। उसका है कि मैं अपने आप को बस बेस्ट दिखा दूं और मेरे से ऊपर कोई भी मैजिशियन ना आए। तो यस यहां पर जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो इस मूवी की काफी ज्यादा टॉप नॉच है, टॉप क्लास है, ये मुझे काफी ज्यादा एक अच्छी चीज लगी। और यहां पर क्रिस्टोफर नोलन ने कैसे इन करेक्टर्स को एक ऐसा मैन्युपुलेटेड वे में दिखाया है जिनसे इन्होंने दो चीजें अचीव की हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले यहां पर जो करेक्टर्स को दिखाया है, मतलब कहते हैं ना लोगों के दिल में कर दिया कि लोग जो हैं किस करेक्टर को पसंद करते हैं, क्या उनको एल्फर्ड मैजिशियन पसंद है या क्या उनको रॉबर्ट मैजिशियन पसंद है, यहां पर कौन किस रस्ते में सही है कौन किस रस्ते में गलत है। तो उन्होंने ऐसे हमें करेक्टर्स को मैन्युपुलेट करके दिखाया जिसको मैं ऑफकोर्स अच्छा कह रहा हूं कि मतलब लोग जो कहते हैं ना लोगों के ख्वाहिश में छोड़ दिया कि लोग किस करेक्टर को यहां पर अच्छा समझते हैं। और अब यहां पर अगर करेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स स्टोरी भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी है, मतलब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि द प्रेस्टीज मूवी काफी ज्यादा अभी भी लोगों के दिलों में है वो इसकी स्टोरी की वजह से। यहाँ पर जो हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी दिखाई गई है, यहाँ पर हमें जो दो मैजिशियंस के बारे में दिखाया गया है। और आप लोग जब मूवी देखकर उठेंगे ना तो आप लोग ये जरूर कहेंगे कि इससे बेस्ट ये वाली मूवी को बना नहीं सकते थे, मतलब ये जो हमें यहाँ पर स्टोरी दिखाई है इससे बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन इस वाली स्टोरी को नहीं बना सकते थे, इसको नहीं लिख सकते थे, जितनी ये बेस्ट हो सकती थी उतनी बेस्ट हम इस वाली मूवी को दिखाया गया है। मतलब इस मूवी में क्या क्या नहीं है, हम इस मूवी में ड्रामा देखने को मिला, थ्रिलर देखने को मिला, रोमांस देखने को मिला, सबसे बेस्ट इस वाली मूवी में हमें देखने को मिला है मैजिक। अब यहां पर मैं अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर के बारे में भी बात करूंगा। यस इस वाली मूवी में अनप्रेडिक्टेबल मतलब कहते हैं ना भरी हुई है और यही क्रिस्टोफर नोलन की खास बात है। आप इनकी कोई भी मूवी उठा ले, मोमेंटो हो जाए, इंसेप्शन हो जाए, टीनेट हो जाए, यहां पर जो है ना आप लोग मूवी के मिड में है ना मूवी देखने तो आप लोग एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या एंडिंग होने वाली है। सेम केस इस वाली द प्रेस्टीज मूवी के साथ
हुई है। आप लोग जो है ना एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे यार मूवी की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये दो मैजिशियंस में से एक मैजिशियन जो है मतलब असल में जीत किसकी होगी, ये हमें यहाँ पर चीज़ दिखाई गई है। तो यस यहाँ पर जो है ना प्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और ये वाली मूवी आपको अपने साथ एंड तक अटैच करती है, एंड तक आपको अपने साथ ये बिठा के रखती है कि जो है ना मतलब मूवी है मुझे देखो कि एंड में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यस इस वाली मूवी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी देखने को मिली है, लाइक इनकी इंसेप्शन और टीनेट जैसी अगर मैं बात करूँ उस लेवल की तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलेगी, मगर यस फिर भी अगर कोई नॉर्मल दूसरी मूवीज देखता है वो अगर इनको देखेगा तो वो उसका सर जो है ना थोड़ा सा चकराने ही वाला है। यहाँ पर हमें इस किस्म की कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाई गई हैं और यस यहाँ पर अगर इस वाली मूवी को कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता जो कि सिंपल स्टोरी होती तो मे बी वो उसको यहाँ पर बस एक सिंपल स्टोरी ही दिखा देता, मगर चूंकि क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है उन्होंने इसको ऐसे कोई अगर मैं बात करूँ ना कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग में बनाया, हमें इस वाली मूवी में डिफरेंट टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं। और यस वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस मूवी की है वो है इसकी एंडिंग। यस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाली मूवी आपको स्टार्टिंग से एंड तक अपने साथ जो है ना अटैच करवा के रखती है और मूवी जब 90% हो जाएगी नहीं यानी कि क्लाइमेक्स है थोड़े ही मिनट पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगेगा कि भाई साहब चल क्या रहा है मूवी खत्म होने वाली अभी तक हमें जो है ना हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले, मगर इसकी जो एंडिंग है ओ भाई साहब हमें इसकी एंडिंग में मतलब क्या चीज़ नहीं देखने को मिलती। वो कहते हैं ना मतलब इतने ज़्यादा जब सवाल होते हो एंडिंग में सब सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो ना एकदम से जो सुकून मिलता है ना वो वाला इस फैक्टर हम इस वाली मूवी की एंडिंग में देखने को मिला है। जो इतना ज़्यादा बिल्डअप स्टार्टिंग से चल रहा था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हमें सब सवाल के जवाब इसकी एंडिंग में देखने को मिल जाते हैं और इसकी एंडिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि ना आप लोग मूवी दोबारा से फ्लैशबैक करके पीछे जाएंगे याद करेंगे अच्छा यार ये वाला सीन ऐसे था, वो अच्छा ये जो इतना सब कुछ चल रहा था एक्चुअल में इसकी बजाय ये रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा था। आप लोग मेरी बातों से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इस वाली मूवी में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और यस यहाँ पर एक्टिंग के बारे में भी बात करूंगा, चाहे वो यहाँ पर ह्यू जैकमैन हो, क्रिश्चियन बेल हो, स्कारलेट जॉनसन हो, माइकल केन हो, सबका काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस वाली मूवी से यहाँ पर मैसेज भी मिलता है जो मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा बता के, आप लोग जब मूवी देखेंगे आप लोग खुद ही समझ जाएंगे क्या मैसेज है। ब्रीफली बताऊँ तो यही है कि कैसे यहाँ पर जो है ना इंसान को जितना भी आगे पहुँच जाए जितनी भी फेम मिल जाए ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, रियलिटी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक्चुअल में वो कहाँ से आया है। अब यहाँ पर मैं फाइनल वर्डिंग के बारे में बात करूँ, द प्रेस्टीज विच वॉज रिलीज इन 2006 डायरेक्टेड बाई क्रिस्टोफर नोलन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। और यस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा ये वाली मूवी वर्थ वॉचिंग, आप लोगों को एक दफ़ा ये वाली मूवी तो ज़रूर देखनी चाहिए, आप लोग इसको 100% इंजॉय करेंगे। हमें जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग देखने को मिली है, जो हमें करेक्टर्स देखने को मिले यहाँ पर, जो दो मैजिशियंस देखने को मिले उनके बीच की स्टोरी उनके बीच की टेंशन इस वाली मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। करेक्टर्स को जिस तरह से क्रिस्टोफर नोलन ने शो किया है कॉम्प्लेक्स वे में शो किया वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और ओवरऑल इस मूवी की जो ओवरऑल थीम है ना लाइक हर मूवी की थीम होती है ना थोड़ी डार्क थीम पे ये वाली मूवी बेस है वो इस मूवी को और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। मैं तो आप लोगों को 110% रिकमेंड करूँगा आप लोग इस मूवी को देखें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को ये वाली मूवी कैसी लगी। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही, तो अगर आप लोगों ने भी द प्रेस्टीज देखी मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को ये वाली मूवी कैसी लगी, ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।